नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर की अदालत में सामान्यतः मई माह में अत्यधिक गर्मी पड़ने के चलते अवकाश घोषित किया जाता है, किंतु इस वर्ष अवकाश मई में ना घोषित करते हुए 1 जून से अवकाश घोषित किया जा रहा है, जिसका इंदौर अभिभाषक संघ के द्वारा पुरजोर विरोध किया जा रहा है। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि भीषण गर्मी में मानव शरीर झूलता है और काम करने में सक्षम नहीं होता है। न्यायिक शक्तियों के द्वारा नियम के विरुद्ध जाकर मई माह में छुट्टी ना देकर जून माह से छुट्टी की शुरुआत की जा रही है, जबकि समाचार पत्रों के माध्यम से जून माह में बारिश की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में छुट्टी का कोई औचित्य नहीं बचता है। न्यायिक शक्तियों के इस निर्णय के विरोध में 17 मई को अभिभाषक संघ काली पट्टी बांध कर विरोध करेगा। उसके बाद भी न्यायिक शक्तियाँ अगर हमारी बातों को नहीं मानती है तो 24 मई को काला दिवस मनाया जाएगा। 50 वर्षों से ग्रीष्म अवकाश अपने नियत समय पर होता रहा है और इंदौर अभिभाषक संघ के निर्वाचन 1 दिन पहले होते रहे। ये सारे मीडिया को मालूम है, शासन को मालूम है, लेकिन इस वर्ष विशेष स्थितियाँ बना दी गई हैं। आप ही सोचिए कि पानी में 2 दिन को अवकाश दिया जा रहा है, मई में भयंकर गर्मी पड़ती है और इस वर्ष अभिभाषकों ने इतना काम किया है, हर दिन प्रकरणों को चलाया है और वर्तमान सीजे ही के आदेश से हर दिन उनको के चलाने पड़े हैं और हर प्रकार की मेहनत इस वर्ष ज़्यादा हुई है। अवकाश नियत समय पर देने के बजाय उन्होंने हमारे स्वास्थ्य को खतरे में डाल दिया है। शरीर का हमेशा से हमारा इस प्रकार का आकार है, बना हुआ है प्रकृति में कि गर्मी में हमें अवकाश मिलता है, लेकिन इस वर्ष ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अवकाश जल्दी होना था, लेकिन स्वार्थ के वशीभूत होकर उच्च न्यायिक शक्तियों ने अपने हित में ये 2 जून से अवकाश रखा है। अब 2 जून अभी आज ही आया है पेपर में कि 1 जून से मानसून आ रहा है जी। तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि न्यायालय दिया तले अंधेरे वाला काम हो रहा है, जब अवकाश होना चाहिए वो नहीं हो रहा है और जब होना चाहिए जब हो नहीं रहा है। अब क्या सार्थकता रही है? इसलिए हमने इंदौर अभिभाषक संघ सदैव इस प्रकार की उच्च न्यायिक शक्तियों का, जो न्यायिक तानाशाही का रुख अख्तियार करती है, उनका सदैव विरोध करती आई है और ऐसे आदेशों के विरुद्ध में हमने 17 तारीख को कल काली पट्टी लगाकर विरोध दिवस और काला दिवस मनाने का निश्चय किया और 24 तारीख को ये काला दिवस मनाया जाएगा। अभिभाषक समाज अपनी बैठकों पे, अपने स्थानों पे काले झंडे लगाएगा और प्रजातांत्रिक तरीके से इसका विरोध करेगा कि भविष्य में इस प्रकार के निर्णय ना हो। ये शासन के निर्णय नहीं, एक न्यायिक शक्ति के द्वारा लिए गए निर्णय इस प्रकार के, यानी किस और इशारा कर रहे हैं भविष्य का? ये सुधारा जाए आगे से और भविष्य में इस प्रकार की छुट्टियाँ ना हो और न्यायालय का सार्थक समय सकारात्मक व्यतीत हो, इसलिए हम इसको पुरजोर तरीके से मना रहे। क्या बार एसोसिएशन से इस तरह की कोई शिकायत न्यायिक महकमे तक पहुंची है कि ये छुट्टियाँ जून के बजाय ये मई में रखी जाए? न्यायिक महकमा, न्यायिक महकमा तो कर ही रहा है। न्यायिक महकमा का सर्वोच्च शक्तिमान सीजे कर रहा है, जब अवकाश तो और क्या कहाँ से आएगा। हमारी जनरल सभा जो अभिभाषक समाज की हुई थी, उसमें सर्वसम्मति से भारी भीड़ थी सदस्यों की, उनमें आक्रोश था। उनका सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि इस प्रकार के न्यायिक तानाशाही पूर्ण निर्देशों का विरोध किया जाए शांतिपूर्ण तरीके से, बगैर हड़ताल किए। हमें काम को प्रभावित नहीं करना है, इसलिए हम प्रजातांत्रिक रुख को अख्तियार कर प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे हैं। क्या ये प्रशासन ने अगर आपकी बात नहीं मानी तो क्या क्या निर्णय लेंगे आगे? अगर छुट्टी वाला निर्णय अगर प्रशासन 17 तारीख को हम पट्टी बांध के विरोध कर रहे हैं, नहीं हमारी मांग मानी तो हम 24 तारीख को काला दिवस मना रहे हैं। इसके बाद में जो शक्ति इस प्रकार के
तानाशाही पूर्ण निर्णय ले रही है वही निवृत्त हो जाएगी, तो फिर कोई मामला ही नहीं बचेगा। जी, आपका नाम उत्पल सुरेंद्र कुमार वर्मा, अध्यक्ष इंदौर अभिभाषक। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।